पुलिस का 74वां स्थापना दिवस है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस सप्ताह के तौर पर मनाती है। दिल्ली पुलिस के द्वारा जनसंपर्क वाहन लोगों के बीच जाकर अलग अलग इलाकों में लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही है। कुछ लोगों को दिल्ली पुलिस नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट DCP उषा रंगनानी के द्वारा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया। काम के बारे में आज हमारा 16 फरवरी से दिल्ली पुलिस का स्थापना वीक बनाया जा रहा है, उसके तहत हम बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं और जनसंपर्क वाहन जगह जगह जाते हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा जो सेवा दी जा रही है, पुलिस के द्वारा जो अच्छे कार्य करे जा रहे हैं, इसके अलावा सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम्स रिगार्डिंग जो सोशल और बर्निंग इशूज़ हैं, जो कंटेम्प्रेरी इशूज़ हैं हमारे, जिस तरह ड्रग अब्यूज़ है, विजन सेफ्टी है, इन सब पे अवेयरनेस क्रिएट करना, सेंसिटाइज करना, नाजुक कमेटी की मीटिंग्स करना, जो बच्चों को भी सेंसिटाइज करना रिगार्डिंग गुड टच बैड टच, और अलग अलग माध्यम से, एंटरटेनमेंट के माध्यम से, कुछ कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से, या नाटक के माध्यम से, नुक्कड़ के माध्यम से, या ट्रेनिंग के माध्यम से, रजिस्ट्रेशन मेलास के दौरान लोगों को सेंसिटाइज कराना सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के बारे में जो दिल्ली पुलिस दे रही है उनको, और इम्पॉर्टेंट इशूज़ के बारे में अवेयर कराना, ताकि वो सचेत रहे और अपने आप को क्राइम और क्रिमिनल से बचा सकें। जैसे कि मैम देखा कल आदर्शगढ़ थाना इलाके में भी था, मॉडल टाउन में, तो क्या इस तरह से जितने भी थाने हैं सभी के इलाके में, सभी थाने जो दिल्ली पुलिस में है सभी थानों में हो रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में ये वाहन जा रहे हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट में ऐसे 3 वाहन आए हैं, एक बड़ा वाहन और 2 छोटे वाहन आए। इसके अलावा EOW के जो इकोनॉमिक ऑफिस अवेयरनेस विंग का भी वाहन है, साथ में जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन के भी रिलेटेड जागरूकता के लिए भी वाहन चलाए गए हैं। तो कुल मिला के 6-7 वाहन पूरे हर एक डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं और पूरे दिल्ली में ये जा रहे हैं और जागरूकता का एक अभियान चला रहे हैं और सिटीजन्स के साथ जो हमारे संबंध है, पब्लिक के साथ जो हमारे संबंध है, उसको और गहरा करने की एक कोशिश है। पब्लिक के लिए क्या साथ है आपके चौथे? बस यही कि आपने आज तक बहुत साथ दिया है, हम भी चाहेंगे साथ बना रहे। आप हमारे आईज एंड ईयर्स की तरह काम करते हैं और हमें उम्मीद है कि हम आपको बेटर और अच्छी सर्विसेज फ्यूचर में दे सकेंगे। हम इसके लिए पूरी तरह से प्रयत्न कर रहे हैं और अगर कोई भी शिकायत है तो प्लीज़ हमारे ऑफिसेस में आके या हमारे थानों में आके या कहीं भी, हम लोग पूरे एरिया में मौजूद हैं, हमसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू मैडम। वहीं उत्तर पूर्वी जिले के थाना भजनपुरा स्थित यमुना विहार प्राइमरी स्कूल में एक और जनसंपर्क सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में DCP वेद प्रकाश शुक्ला ने भी यमुना विहार स्थित एक प्राइमरी स्कूल में जनसंपर्क सभा का आयोजन किया। इस आयोजन में उत्तर पूर्वी दिल्ली के DCP ने बताया कि उन्होंने आज सीनियर सिटीजन का बर्थडे मनाया और सीनियर सिटीजन रजिस्ट्रेशन का कैंप भी लगाया, वहीं सेल्फ डिफेंस के गुण भी दिखाए। इस मौके पर RW और MW, NGO और सामाजिक कार्य करने वाले लोगों ने भाग लिया। वहीं इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि के रूप में स्पेशल CP राजेश पुराना उपस्थित रहे। स्टर्न रेंज के ज्वाइंट CP आलोक कुमार वर्मा ने बताया कि दिल्ली पुलिस 16 फरवरी को अपना दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस मनाती है, लेकिन आम जन तक दिल्ली पुलिस की चल रही योजनाओं को पहुँचाना एक दिन में मुमकिन नहीं है, इसीलिए दिल्ली पुलिस पूरा सप्ताह दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस के रूप में मनाती है, जिसे पूरी दिल्ली में प्रोग्राम का आयोजन कर जनसंपर्क कर या योजनाओं के बारे में लोगों को समझाया जाता है और जागरूकता फैलाया जाता है। दिल्ली से नव द टाइम्स के लिए इसरार अहमद और शहजादा हाशमी की रिपोर्ट।